So, hello students, good morning to everyone and welcome in the class of Python programming language. So far we have done so much in the Python programming language. We are doing our conditional statements in Python, and I am hoping that you have understood the conditional statement in Python very well. So far we have discussed the if and if else statement in detail, and I have shown you some practical examples of if and if else statement. Now it's time to understand the very important topic, which is the if elif else statement. It is a kind of confusing to understand what is the elif now. Okay, so before starting the topic of if elif and else statement, I would like to just concentrate your mind to the if and if else statement once again. Agar aapko yaad ho to jab humne kiya tha if aur if else statement mein, तो इफ स्टेटमेंट पे हम क्या करते थे, कोई एक हमने पर्टिकुलर कंडीशन दी, उसके बाद वो केवल उसके ट्रू पार्ट पर ही वर्क करता था, यानी कि अगर कुछ भी फॉल्स होता है तो उसके लिए उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इफ और एल्स यूज करने के बाद जब भी कोई एक ट्रू पार्ट होता था उसके लिए भी कंडीशन रन करती थी, उसके लिए भी स्टेटमेंट्स रन करते थे। जब else पार्ट होता था, यानी कि जो false पार्ट होता था, उसके लिए भी set of statements run करते थे। But student, क्या आप ये agree करेंगे कि हम केवल एक ही condition देते हैं अपने softwares में, applications में या websites में? क्या एक ही condition देने से हमारा पूरा app बन जाएगा, पूरे software बन जाएंगे? नहीं, एक condition देने पे हमारी कोई भी चीज अच्छे से successful नहीं होगी। तो हमें क्या करना होता है, different different kind of conditions देने पड़ते हैं, multiple conditions देने पड़ते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जैसे कि वोटर आईडी में हमने बात की थी, वोटर आईडी में तो चल जाता था कि अगर किसी ने 18 साल का है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। लेकिन मल्टीपल कंडीशंस जहां आप देने पड़ेंगे, वहां पर आप केवल एक सिंगल इफ का यूज नहीं कर सकते। जब हमें मल्टीपल इफ का यूज करने हो, मल्टीपल कंडीशंस देने हो, मल्टीपल लॉजिक्स लगाने हो, मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है, एक से ज्यादा, तो जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन या एक से ज्यादा लॉजिक्स लगाने होते हैं, तब हम कौन से स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ इलिफ एल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलिफ का मीनिंग क्या है। इलिफ का मीनिंग देखो, इलिफ बना हुआ है एल्स प्लस इफ से, एल्स प्लस इफ से, यानी एल्स का तो अपन ने ई एल ले लिया और ये इसका एफ, तो इसको मिला के अपन ने क्या बना दिया, इलिफ स्टेटमेंट। तो सर आखिर इलिफ स्टेटमेंट कहां काम आएगा? इलिफ स्टेटमेंट आपके काम आएगा जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन देनी होगी। तो सर ये एक से ज्यादा कंडीशंस होती क्या है, जैसे कि अगर मैं आपकी एक सिंपल जनरल मार्कशीट की बात करूं, स्कोर कार्ड की बात करूं, तो क्या वहां पर केवल एक ही कंडीशन दी जाती है? नहीं, वहां पर बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। ये देखिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। जैसे कि अगर आपके जो मार्क्स है, है ना, अगर आपके मार्क्स जो है वो 60 से और बराबर है या फिर 60 से बड़े हैं, तब आपको क्या दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन दी जाती है, है ना, कि ठीक है आपके फर्स्ट डिवीजन आ गए। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो क्या रहते हैं, छोटे या फिर बराबर रहते हैं 55 के, तो आपको क्या दिया जाता है, सेकंड डिवीजन दिया जाता है। यहां पर ऐसे कह सकते हैं कि बड़े या बराबर रहते हैं 48 के, तो आपको सेकंड डिवीजन दी जाती है। ऐसे अगर आपके मार्क्स अगर 33 से नीचे रहते हैं, यानी कि अगर आपके कहूं मैं कि मार्क्स आर लेस देन और लेस देन 33, तो आप क्या माने जाते हैं, फेल। तो यहां पर क्या एक ही कंडीशन से काम किया जा रहा है क्या? नहीं, यहां पर मल्टीपल कंडीशंस काम की जा रही है। तो मल्टीपल जब हमने कंडीशंस दी, तो क्या हमारा केवल एक ही इफ काम आएगा? नहीं, हमारे खूब सारे इफ काम आएंगे। तो प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, कोडिंग को थोड़ा सा और अच्छा यूज करने के लिए, हम किसका यूज करते हैं, इफ इलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ओके, इफ इलिफ और एल्स स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हमें एक से ज्यादा कंडीशन यूज करनी होगी तो हम किसका यूज करेंगे, इफ इलिफ और एल्स स्टेटमेंट का। तो चलिए इसको देखते हैं कि कंडीशन जो हमने पहले देखी थी कि अगर जो आपके मार्क्स हैं या तो ज्यादा हैं या बराबर है 60 के, तो फर्स्ट डिवीजन है। जो आपके मार्क्स हैं ज्यादा है या बराबर है 48 के, तो आपके सेकेंड डिवीजन है। ओके, और अगर आपके मार्क्स जो हैं
ज्यादा है या बराबर है 33 के, तो आप केवल पास हैं, यानी कि आपके थर्ड डिवीजन है। ठीक है, आप ये बात मानते हैं? और अगर आपके मार्क्स कम है 33 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? फेल। तो यहां पर देखिए हमारे पास कितनी कंडीशन है, 1, 2, 3 और 4, 4 कंडीशन है यहां पर। तो क्या हमारा एक इफ से काम चलेगा? नहीं। तो अब मैं आपको इसको प्रोग्रामेटिकली बताता हूं कि इसके लिए हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको क्या समझना पड़ेगा, सिंटेक्स। हमें इफ, इलिफ और एल्स का सिंटेक्स समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे इफ, यहां पर आप डालेंगे कंडीशन नंबर 1। जो कंडीशन नंबर 1 होगी वो सबसे पहले आएगी यहां पर। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 जो आपकी मेन कंडीशन है वो यहां पर लिखिए। फिर उसके बाद सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो भी आपको करवाना है, अगर आपको प्रिंट करवाना है, अगर आपको कुछ कैलकुलेशन करवानी है, तो आप वो यहां पर लिख दीजिए, काम हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहले कंडीशन के लिए। अब मान लीजिए ये तो हमारा था पहला कंडीशन के लिए। अभी अपने पास कितने सारे पड़े हैं, 1, 2, 3, 3 कंडीशंस और पड़े हुए। तो अपने उसके लिए क्या करेंगे, इलिफ का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, इलिफ। इलिफ से क्या होगा कि हम दूसरी कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन देने का काम कौन करता है, इफ। ठीक है, तो मान लो कि अगर ये वाली लाइन सही नहीं होती है, ये वाला लाइन ट्रू नहीं होता है, तो प्रोग्राम किसके पास आ जाएगा, इस वाले लाइन के पास। ठीक है, तो यहां पर इलिफ में अपने क्या देंगे, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, जो भी आपको लिखवाना होगा आप दे सकते हैं। ठीक है, इलिफ के बाद अभी अपने पास एक और पड़ा हुआ है, तो अपने को एक और इलिफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो ये वाली कंडीशन नहीं होती है, मान लो किसी के बच्चे के नंबर है वो 35 है, तो ना तो वो इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है, ना तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो नीचे वाले कंडीशन में जाएगा। नीचे वाले कंडीशन में जाने के लिए फिर से अपने को इलिफ लिखना पड़ेगा। तो इलिफ में इस बार क्या आएगा, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 लिखने के बाद फिर इसका सेट ऑफ स्टेटमेंट आएगा। अब जब हमारी कंडीशन खत्म हो रही है, लास्ट कंडीशन क्या है, 4, तो उसके लिए अपने क्या यूज कर लेंगे, एल्स। ठीक है, लास्ट कंडीशन के लिए अपने यूज कर लेंगे एल्स, और फिर जो भी अपने को एल्स में यूज कराना है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम ना बना करके मैंने आपको एक सिंटेक्स से बताया है, एक जनरल प्रॉब्लम लेते हुए मैंने बताया है कि हमें कहां इफ, इलिफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें इफ भी यूज हो रहा है, ये रहा, इसमें इलिफ्स भी यूज हो रहे हैं, ये रहे, और इसमें एल्स भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा जो सिंपल सा एक जनरल स्ट्रक्चर जो होता है इफ, इलिफ और एल्स स्टेटमेंट का। एंड आई एम होपिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट व्हाई वी आर यूजिंग द इफ, इलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव अंडरस्टूड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्कशीट। नाउ आई विल एम्प्लॉय दीज सिंटैक्स, दीज लॉजिक इन द प्रोग्रामेटिकल मैनर। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर इट, and I am hoping that and I am expecting that you will also do the same coding and do it by side by side, okay? और फिर match करिए कि क्या जो मैं coding लिख रहा हूँ वो आपके coding से match कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए marks के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो ये देखिए कि marks के लिए अपने को चाहिए होगा एक marks नाम का variable। ठीक है, तो marks के लिए अपने को marks नाम का variable चाहिए होगा, वो किसमें होगा, integer में। ठीक है, तो मार्क्स जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। तो यहां पर मैंने लिखा int, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा इनपुट, फिर मैंने यहां पर एक मैसेज डाल दिया, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। ओके, तो व्हाट इज दिस लाइन इज डूइंग इज, मार्क्स नाम का अपने पास एक वेरिएबल है, वो मार्क्स में अपने को क्या करना है, नंबर इनपुट करवाना है। दैट्स व्हाई वी हैव रोट द इंट। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द इनपुट फंक्शन एंड इन विच आई एम गिविंग द सिंपल मैसेज, एंटर योर मार्क्स। ठीक है, इस लाइन लिखने के बाद जो मार्क्स है वो हमारे मार्क्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, इफ, इलिफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा जो कंडीशन क्या है कि अगर जो मार्क्स है जो यूजर एंटर करता है वो या तो बड़ा हो या बराबर हो 60 के, तो क्या आएगी उसकी, फर्स्ट डिवीजन आएगी।
ठीक है। तो यहां पर अपने क्या करेंगे, प्रिंट यहां पर मैसेज दे देंगे, कुछ भी अच्छा सा मैसेज दे देना आप। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। यहां पर मैं क्या मैसेज दूंगा, फर्स्ट डिवीजन, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब यहां पर मुझे एक और कंडीशन देनी है। जब भी मुझे मल्टीपल कंडीशंस देनी होगी तो मैं क्या यूज करूंगा, इलिफ। तो मेरी सेकंड कंडीशन क्या है, इलिफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48, देन व्हाट इट विल डू, इट विल डिस्प्ले द मैसेज सेकंड डिवीजन, ओके। इट विल डिस्प्ले द मैसेज सेकंड डिवीजन, ओके। एक अभी अभी अपने पास दो कंडीशंस और पड़ी हुई है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इलिफ, यानी कि एक और कंडीशन देना है। जैसे कि अभी मैं आपको इसका फ्लो बताऊंगा, प्रोग्रामिंग फ्लो क्या चलेगा इसका, मार्क्स लेस देन और इक्वल्स टू 33। तो मैं यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं पास विद थर्ड डिवीजन, विद थर्ड डिवीजन। स्टूडेंट ये वाला साइन आपके मैसेज में नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको जस्ट डिस्प्ले करने के लिए लिखा है। फिर हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन हो चुकी है, लास्ट की कंडीशन क्या बच रही है, एल्स, यानी कि फेल वाली कंडीशन बच रही है। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं एल्स, एल्स में क्या आ जाएगा, प्रिंट फेल। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा कोड जो हमने लिखा है वो क्या करेगा कि आप जो भी यूजर इनपुट करेगा मार्क्स, उसके हिसाब से उसकी डिविजन बता देगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोजिंगली मार्क्स एंटर किया स्टूडेंट ने 72, ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा कि अब मार्क्स 72 मार्क्स में आ चुका है, वेरिएबल में आ चुका है। यहां पर फ्लो जाएगा इसके पास सबसे पहले, क्या जो मार्क्स है वो 60 से ग्रेटर देन है या इक्वल है। इक्वल तो नहीं है लेकिन 60 से ग्रेटर देन है, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये इफ के ब्लॉक में जाएगा, इफ के ब्लॉक में ये क्या कह रहा है कि प्रिंट फर्स्ट डिविजन, यानी कि अब जो हमारा मैसेज है वो क्या प्रिंट होके आएगा, फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन क्यों प्रिंट होके आया, क्योंकि हमारा जो मार्क्स था वो 72 है, 72 60 से ग्रेटर देन है, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू होने पर ये इसके ब्लॉक में गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, 32 मान लेते हैं अपने लिखते हैं, ठीक है। 32 लिखा मैंने यहां पर, तो अब देखिए कौन से ब्लॉक में जाएगा, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मार्क्स पहले इसके पास गया, क्या 60 से बड़ा है या बराबर है, नहीं है, तो ये इसके ब्लॉक में नहीं जाएगा। फिर मार्क्स देखेगा क्या ये 48 से बड़ा है या बराबर है, नहीं है, तो ये इसके ब्लॉक में भी नहीं जाएगा। अब देखेंगे मार्क्स हमारा 32 है, क्या 32 33 से ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है, नहीं है, तो ये इस वाले ब्लॉक में भी नहीं जाएगा। अब लास्ट तो लास्ट कंडीशन है, इसका मतलब बचा क्या, बचा फेल। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, फेल, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर मैंने लिखा 57, ठीक है। अब फ्लो को समझना बहुत जरूरी है, इसी कारण से मैं चारों कंडीशंस को आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप फ्लो को नहीं समझेंगे, फ्लो प्रोग्राम को, तब तक आप इफ इलिफ एल्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब मार्क्स क्या है, क्या 60 से ग्रेटर देन है, नहीं, क्या 60 के इक्वल है, नहीं, तो ये इस ब्लॉक में नहीं जाएगा। अब देखिए क्या मार्क्स 48 से ग्रेटर देन है, यस yes. क्या ये इक्वल है, नहीं, लेकिन 48 से ग्रेटर देन है, दैट मीन इट विल प्रिंट दिस सेकंड डिवीजन, क्योंकि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप से जाता है, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक आता है ये, इसीलिए ये इस कंडीशन पे जाएगा ही नहीं, उससे पहले ही ये सेकंड डिवीजन को प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में। अब कई बच्चे इसमें दिमाग ये लगाते हैं कि सर ये वाली कंडीशन यहां पर भी तो ट्रू हो रही है, बट जो पाइथन है वो ऊपर से लेकर नीचे आ रहा है, तो ये पहले से इसको प्रिंट कर देगा, इसके पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जब फॉल्स ही नहीं होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो इस पे जाएगा नहीं, कंडीशन फॉल्स होने पर ही इस पे जाएगा, ठीक है। बात आई आपको समझ में, ये जानना आपके लिए जरूरी था। So yes students, we have created here marksheet.py, that means the marksheet name Python file in the script mode. Now we will implement our logic which we have seen or which we have understood by the board. So here I am making a variable marks, okay, and I am writing int for taking the integer input,
input, enter your marks. Okay. Enter your marks. So this will lie in this line will lead us the marks of the user. Okay. So now we will put our logic. So I am giving the comment here for first division. If marks is greater than or equals to 60, bracket close, indentation block. Yes, here it is. Print. अब देखिए यहाँ पर अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से आप ना कुछ भी डाल सकते हैं मैसेज. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस. You got first division. Okay. Okay. अभी भी ये if block में है तो मैं backspace key का use करते हुए else block में आऊंगा. Okay. Else block में नहीं कर सकता. अब मेरे को क्या लिखना है elif, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल क्या है कंडीशन है. तो मैं यहां लिखूंगा मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 48, इंडेंटेशन ब्लॉक. ये देखिए इंडेंटेशन ब्लॉक लगाते ही यानी कि कोलन लगाते ही मेरे को elif ब्लॉक में ले आया. यहां पर मैं लिखूंगा यू गॉट सेकेंड डिविजन. डोंट गो ऑन माई टाइपिंग एरर्स as I am not too much frequent in python typing. Okay, yes. Now I will give the next condition, which will be the elif marks greater than or equals to 33, print pass with third division. Okay. And now else print sorry you are fail. Okay. तो ये हमने हमारा जो सिंपल सा प्रोग्राम था ये हमने बना लिया है. ओके. तो मैंने यहां पर इसको सेव कर लिया है. मैं इसको रन कर रहा हूं. ओके. तो अब मान लीजिए मैं अपने मार्क्स एंटर करता हूँ 45. तो चलिए देखते हैं 45 मार्क्स आने पर मेरी कौन सी डिवीजन बनती है. पास विद थर्ड डिवीजन. ओके. तो आप देखिए लॉजिक से समझ सकते हैं कि 45 जो है ना तो वो 60 से इक्वल है ना ही 60 से ग्रेटर देन है. फर्स्ट कंडीशन हॉल्ट हो गई. सेकंड कंडीशन में भी वो कह रहा था कि 48 से बड़ा होना चाहिए, 48 के बराबर होना चाहिए, वो भी कंडीशन हॉल्ट हो गई. और थर्ड में क्या था कि 33 से बड़ा होना चाहिए या 33 के बराबर होना चाहिए. तो जी हाँ 33 के बराबर तो नहीं लेकिन 33 से बड़ा था ये, तो इसलिए इसने क्या प्रिंट कर दिया पास विद थर्ड डिवीजन. तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये बात. अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही मार्क्स आ रहा है. अगर मान लीजिए आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना हो जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स एंटर करवाएं यूजर से, फिर उनके आप मार्क्स को ऐड करके टोटल ग्रैंड टोटल करें, तो आप वहां पर कौन सा लॉजिक पुट करेंगे. सो लेट्स टेक एन क्वेश्चन और लेट्स टेक एन प्रॉब्लम. So we will take the three inputs, which will be the three subjects, and then we will combine all that marks of the three subjects. Then we will calculate the first division, second division, or the third division. So here I am writing the Hindi. Hindi naam ka ek variable le raha hu main yahan par, theek hai? H-I-N-D-I, Hindi. Same int. Input. Enter. हिंदी मार्क्स. ओके. यहाँ पर क्या जाएगा एंटर हिंदी मार्क्स. अब मैं इस लाइन को क्या कर रहा हूं कॉपी. अब मैं इस लाइन को पेस्ट करके ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, इसको मैं बैक स्पेस से बंद कर देता हूं. यहाँ पर हिंदी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा इंग्लिश. मेरे को बस वेरिएबल के नेम चेंज करने ई एन जी एल आई एस एच. यहाँ पर हिंदी की जगह इंग्लिश लिख दूंगा. फिर मैथ्स. देखिए
ये आ गया। अब मुझे ये मार्क्स नाम का जो ये था इनपुट, ये मुझे नहीं चाहिए होगा क्योंकि अब मार्क्स तो मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं मार्क्स में क्या करूंगा, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स के जो भी इनपुट आएंगे उनको प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हिंदी इंग्लिश प्लस मैथ्स। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो वेरिएबल लेते हैं वो एज इट इज हम उसकी स्पेलिंग नहीं पुट करते, तो उससे क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपने जिस फॉर्म में लिखा हो, अगर आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल डालिएगा यहाँ पर, अगर आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो स्मॉल लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स क्या हो रही है, हिंदी इंग्लिश और मैथ्स का एड होके किस में जा रहा है, मार्क्स में। और मार्क्स में तो अपन ने यहाँ पर लॉजिक लगा ही रखा है, तो चलिए देखते हैं क्या हमारा ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मार्क्स को भी प्रिंट करवा देता हूं, तो मैं ये लिख रहा हूं विद ग्रैंड टोटल ऑफ, ये तो हमारा मैसेज हो गया। सेपरेटर का यूज करते हुए मैं किसको प्रिंट करवा दूंगा, मार्क्स को भी प्रिंट करवा दूंगा। मार्क्स को प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा कि यहां पर मार्क्स भी है जो साथ साथ में दिखता रहेगा। ओके, यहां पर मैं लिखूंगा with grand total of, फिर ये मैं बाहर आया, सेपरेटर यूज किया और मार्क्स को लिख दिया, फिर with grand total of marks। ठीक है, यहां पर ये ब्रैकेट है इसको मैं सही कर देता हूं, यहाँ पर भी मार्क्स। चलिए अब मैंने इसको सेव कर लिया है, चलिए देखते हैं क्या इसका आउटपुट आता है। F5 किया मैंने इसको, यहाँ पर इनवैलिड सिंटेक्स है, यहाँ पर हमने कोई वैलिड सिंटेक्स का यूज नहीं किया है, दैट मीन यहाँ पर एक स्पेस ले लिया है इसने अपने आप से ही। तो हमें इसको अच्छे से सेट कर देता हूँ, इंट इनपुट मार्क्स और यहाँ पर एक ब्रैकेट कम है, दैट्स व्हाई वी हैव द एरर। ओके, चलिए अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, F5 किया मैंने, देखते हैं। अच्छा चलिए, हिंदी में मेरे मार्क्स आए मान लेते हैं 45, इंग्लिश में मेरे मार्क्स आए मान लेते हैं 67 और मैथ मेरे मार्क्स आए हैं 60। तो चलिए देखते हैं क्या आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट फर्स्ट डिवीजन विद ग्रैंड टोटल ऑफ 172। अब इसने क्या किया, इन तीनों का जो था वो क्या कर दिया था, इसने प्लस कर दिया था, प्लस करके वो किस में आया था, मार्क्स में, और मार्क्स के आने की जो ग्रैंड टोटल था वो भी इसने यहाँ पर इसको प्रिंट करवा दिया था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक और कंडीशन देख लेते हैं इसकी F5 से। It is taking time, no issues, we will wait. So yes students, so this is how we have understood a simple mark sheet program, and I'm hoping that you have understood this mark sheet program in a very much detailed manner. So I am halting this session today because our time is over now. So take care, bye bye, study hard.